हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को पहले दो यूनिट से वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको वो समझने में भी मजा आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सब्जेक्ट है इंग्लिश और उसका यूनिट नंबर थर्ड। तो ये है स्टैंडर्ड फर्स्ट का यूनिट नंबर थर्ड। तो उसका नेम है वन लिटल किटन। वन लिटल किटन, एक छोटा सा किटन। एक छोटा सा किटन यानी कि एक बिल्ली है, कैट है, उसका जो बेबी होता है उसको हम किटन बोलते हैं। तो एक छोटा सा कैट है, छोटा सा कैट का बेबी है, उसके बारे में यहाँ पे एक छोटी सी पोएम है, वो आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। पर आपको पता ही है कि आपको कोई पोएम या कोई स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले इस स्टोरी में या पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स आते हैं, वो न्यू वर्ड्स आपको देखने होते हैं और अच्छे से आपको उसके मीनिंग पता चल जाए तो उसको अपने रफ बुक में लिखने होते हैं। उसके बाद ही आपको पोएम और स्टोरी जो भी है वो अच्छे से समझना है। तो अब हम देखते हैं इस पोएम के कुछ न्यू वर्ड्स। तो ये है स्टूडेंट न्यू वर्ड्स यूनिट नंबर थर्ड, वन लिटल किटन, एक छोटी सी किटन। तो उसमें के आई डबल टी ई एन किटन, के आई डबल टी ई एन किटन यानी कि एक बिल्ली का बच्चा। सी ए टी कैट, सी ए टी कैट यानी कि बिल्ली। बी ए बी वाई बेबी, बी ए बी वाई बेबी यानी कि छोटा सा बच्चा। बी यू डबल टी ई आर एफ एल आई ई एस बटरफ्लाइज, बी यू डबल टी ई आर एफ एल आई ई एस बटरफ्लाइज यानी कि वो तितली होती है, वो बटरफ्लाइज तितली। आर ए टी रेट, आर ए टी रेट यानी कि चूहा। एफ आई एस एच फिश, एफ आई एस एच फिश यानी कि मछली। एस सी ए जी यू डबल एल एस सिगुला, एस ई ए जी यू डबल एल एस सिगुला दरियाई में रहने वाली ये मछली है। ए सी ए एल एस सील्स, ए सी ए एल एस ये भी एक दरियाई मछली है। ईल यानी कि ये छोटी सी, यहाँ पे पिक्चर्स देख लो, ये जो ऐसे यहाँ पे इसको ईल बोलते हैं। फिर है एल आई जेड ए आई डी एस लिजर्ड, एल आई जेड ए आई डी एस लिजर्ड यानी कि छिपकली। बी डबल ई एस बीस, बी डबल ई एस बीस यानी कि मधुमक्खी। ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट यानी कि हाथी। एफ एल ई ए एस फ्लीस, एफ एल ई ए एस फ्लीश। ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर एलिगेटर, ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर एलिगेटर। एलिगेटर यानी कि एक ऐसा ही वो एनिमल है जिसको हम हिंदी में भी एलिगेटर से बुलाते हैं। डब्ल्यू एच ए एल ई वेल, डब्ल्यू एच ए एल ई वेल यानी कि जो दरियाई मछली है, सबसे दरियाई में रहने वाली सबसे बड़ी मछली है वेल, उसके बारे में यहाँ पे वेल। डी ओ एन के ई वाई डोंकी, डी ओ एन के ई वाई डोंकी यानी कि गधा। तो ये थे कुछ न्यू वर्ड्स आपको इस पोएम के, वो भी आपको बताई है। हर एक न्यू वर्ड से वो आपको अपनी फेसबुक बनाई है उसमें भी लिखना है और रफ बुक में इसे टू टाइम्स लिखना है और अच्छे से स्पीकिंग करके रिपीटेड रिपीटेड करना है। तो अब हम देखते हैं हमारी पोएम। तो हमारी पोएम है वन लिटल किटन, एक छोटा सा बच्चा। लिसन एंड एंजॉय दिस पोएम, ये पोएम को अच्छे से सुनो और इसको एंजॉय करो। वन लिटल किटन टू बी कैट्स, वन लिटल किटन टू बी कैट्स, एक छोटा सा कैट का बच्चा था और दो बड़ी कैट थी। थ्री बेबी बटरफ्लाइज फोर बी ग्रेट्स, थ्री बेबी बटरफ्लाइज फोर बी ग्रेट्स, तीन है वो छोटे छोटे बटरफ्लाइज थे, तितलियां थी, देखो ये है बटरफ्लाई है, तीन है वो छोटे छोटे बटर
किटन था, दो बड़ी बिल्ली थी, तीन छे वो छोटे से बेबी बटरफ्लाई थे और चार बड़े बड़े चूहे थे। 5 fat fishes, 6 sad fish, 5 fat fishes, 6 sad fish, 5 वो मोटी मोटी मछलियां थी और 6 वो जो सील्स थे दरिया में रहने वाली, वो 6 थी वो बहुत ही सैड थी, बहुत ही दुखी थी। तो एक छोटा सा बच्चा था किटन का, दो बड़ी कैट थी, बिल्ली थी, तीन है वो छोटे छोटे बटरफ्लाई थे, चार बड़े बड़े चूहे थे, 5 मोटी मोटी फिश थी और 6 सील्स थी जो एकदम ही दुखी थी। 7 silly figulas, 8 happy eels, 7 silly figulas, 8 happy eels, 7 है वो सिली यानी कि एकदम आलसी फिगुलास थे, जो दरिया में रहते हैं वो फिगुलास थे, वो एकदम सिली यानी कि एकदम आलसी थे। और 8 है वो ईल्स थी, 8 ईल्स थी वो कैसे थी, हैप्पी यानी कि एकदम खुशखुशाल थी। 9 नर्वस लिजर्ड, 10 ब्रेव बीज, 9 नर्वस लिजर्ड, 10 ब्रेव बीज, 9 है वो नर्वस यानी कि एकदम चिंता में थी, एकदम ही टेंशन में थी, कौन लिजर्ड यानी कि छिपकली, छिपकली कितनी थी 9। 10 ब्रेव बीज और जो मधुमक्खियां थी वो कितनी थी 10, वो मधुमक्खियां कैसी थी ब्रेव यानी कि एकदम स्ट्रांग, किसी से भी डरने वाली नहीं। 11 स्मेली एलिफेंट, 12 फैट फ्लीज, 11 स्मेली एलिफेंट, 12 फैट फ्लीज, कितने एलिफेंट थे 11, 11 थे वो एकदम बदबूदार हाथी थे और 12 बड़ी बड़ी फ्लीज थी। 13 एलिगेटर 14 वेल्स, 13 एलिगेटर्स 14 वेल्स, 13 है वो एलिगेटर्स थे और 14 यानी कि 14 वेल थी। 15 डोंकीज विथ 15 टेल्स, 15 डोंकीज विथ 15 टेल्स, कितने डोंकीज थे 15 और उन सब की 15 टेल यानी कि पूंछ थी। तो फिर से एक बार पॉइंट को रिपीट कर लेती हूँ। 1 लिटिल किटन, 2 बिग कैट्स, 3 बेबी बटरफ्लाइज, 4 बिग रैट्स, 5 फैट फिशेस, 6 सैड सील्स, 7 सिली फिगुलास, 8 हैप्पी ईल्स, 9 नर्वस लिजर्ड, 10 ब्रेव बीज, 11 स्मेली एलिफेंट, 12 फैट फिश, 13 एलिगेटर्स, 14 व्हील्स, 15 डोंकीज विथ 15 टेल्स। तो एक छोटा सा कैट का बेबी था, दो बड़ी बड़ी बिल्ली थी, तीन छोटे छोटे बटरफ्लाइज थे, चार बड़े बड़े चूहे थे, 5 बड़ी मोटी मोटी फिश थी, 6 थी वो सील्स है वो बहुत ही सैड थी, 7 फिगुलास थे वो बहुत ही आलसी थे, 8 ईल्स थी वो बहुत ही खुश थी, 9 लेजर्ड यानी कि छिपकली थी वो बहुत ही नर्वस थी, टेंशन में थी, 10 है वो बीज मधुमक्खियां थी वो बहुत ही ब्रेव यानी कि बहादुर थी, 11 एलिफेंट थे वो बहुत ही बदबूदार थे, एकदम स्मेली स्मेली थे, 12 फ्लीस थी वो भी मोटी मोटी थी, 13 एलिगेटर्स थे, 14 व्हेल्स थी, 15 डोंकी थे विथ 15 टेल्स, तो 15 डोंकीज थे वो अपनी 15 पूंछ के साथ थे। तो ये थी एक छोटी सी सारे एनिमल्स के बारे में छोटी सी पोएम। तो अब इस पोएम के नीचे कुछ न्यू वर्ड्स है वो आपको देखने हैं। तो न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है सी ए टी कैट यानी कि बिल्ली, एफ ए टी फैट यानी कि मोटा झाड़ा, आर ए टी रेट यानी कि चूहा उंदर, एस ए टी सैड यानी कि दुखी रहना, टी ई एन टेन यानी कि 10। अब इसको सारे न्यू वर्ड्स से लेके सेंटेंस बनाया है। अ फैट कैट शो अ रेट, अ फैट कैट शो अ रेट, एक बहुत मोटी बिल्ली ने एक चूहा देखा,
तो ये पेज में एक पोएम थी और कुछ न्यू वर्ड्स थे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। रीडिंग इज फन। हाउ मेनी किड्स ऑफ क्रिएचर आर देयर इन द पोएम्स? हाउ मेनी किड्स ऑफ क्रिएचर आर देयर इन द पोएम्स? हमने ये पोएम्स पढ़ी, उसमें कितने सारे कितने एनिमल्स थे उसके बारे में बात हुई है। तो पता होना चाहिए आप सबको कि कितने नंबर तक हमने इसमें बात की। 15। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 15। आर द सील्स हैप्पी? क्या सील्स थी वो हैप्पी थी या शेड थी? तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि जो हैप्पी था वो कौन था? ईल। सील्स थी वो तो शेड थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो। वेयर डू द फिश लिव? वेयर डू द फिश लिव? फिश है वो कहाँ पे रहती है? कहाँ पे रहती है फिश? दरियाए में। तो दरियाए को हम क्या बोलते हैं? सी। What are the other things found in the water? हम पानी में और क्या क्या चीज मिल हमें पानी में क्या क्या चीज और मिल सकती है? सिर्फ मछलियां ही मिल सकती है या कुछ और भी? तो ये आपको अपने आप बैठे बैठे घर में सोचना है कि अगर हम दरियाई पानी में जाते हैं तो मछलियों के अलावा हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी बातें कीजिए और उसको पूछिए कि दरियाई में मछली के अलावा और कौन कौन सी चीजें वो रहती है। देयर आर मेनी क्रिएचर्स इन द पोएम, व्हिच वन हैव यू सीन? इसमें तो बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बात हुई है, एलिफेंट के बारे में, बटरफ्लाई, कैट, किटन, डोंकी, बहुत सारे 15 एनिमल्स के बारे में बात हुई है। तो उसमें से कौन कौन से एनिमल है वो आपने देखे हैं? तो उसका एक लिस्ट बनाइए अपने रफ बुक में कि मैंने एलिफेंट देखा है, मैंने कैट देखी है, किटन देखा है, फिर मैंने डोंकी को देखा है, वेल देखी है। तो उसकी एक आप अलग से अपने रफ बुक में लिस्ट बनाए कि पोएम में ये 15 है, उसमें से मैं मान लो कि मैंने ये 10 एनिमल है वो देखे है। टेल अस अबाउट व्हेन यू फील सैड, ब्रेव, हैप्पी एंड नर्वस। और आपको अपने पेरेंट्स के साथ ही ये डिस्कस करना है कि कौन सी बात पे आप सैड रहते हो, दुखी रहते हो, क्या ऐसा बोलते हैं तो आप में एकदम से बहादुरी आ जाती है, और ऐसा कौन सा टाइम होता है कि आप बहुत खुश होते हो, और ऐसा कौन सा टाइम होता है कि आप एकदम टेंशन में रहते हो। तो ये सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ आपको शेयर करनी है। सो स्टूडेंट, अब ये कुछ है टू और थ्री वर्ड्स जो मैंने बेसिक में करवाए थी कि टू वर्ड्स कितने होते हैं और थ्री वर्ड्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ टू और थ्री वर्ड्स का एक बॉक्स दिया गया है, तो मैं उसको कौन कौन से उच्चार से आप बुला सकते हैं। तो ये सारा बॉक्स है वो आपको अपने रफ बुक में अच्छे से देख देख के लिखना है। तो फर्स्ट है ए एम, एम एच ई, ही आई एफ, इफ आई एन, इन I S is, I T eat, M E me, M Y my, N O no, O F off, O N on, S O so, T O two, U S us, W E we. A double L all, A N D and, B A D bed, B I G big, B I T beat, B U T but, C A N can, C A T cat, C R Y cry, D A Y day, D O G dog, F A T fat, L E T let, M E T mat,
N-O-T, not. O-N-E, one. P-I-G, pig. R-A-N, rain. R-E-D, red. S-A-D, sad. S-A-W, show. S-I-T, seat. S-U-N, son. T-E-N, ten. T-H-E, thaw. T-R-Y, try. T-W-O, two. W-A-S, was. W-E-T, wet. Y-O-U, you. कीवर्ड्स देखे, अब यहाँ पे आपको देखना है say this word aloud then with the picture by drawing line. यहाँ पे आपको ये बॉक्स में कुछ स्पेलिंग दिए गए हैं, उसको आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स दिखाई गई है उसके साथ मैच करना है. तो पहले तो हम देखेंगे कि बैग है वो कहाँ पे है. B-A-G, बैग. तो यहाँ पे बैग कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा बैग. तो इसे हम मैच करेंगे बैग के साथ. अब है T-I-N, तो टीन कहाँ पे है, यहाँ. तो इसके साथ हमने मैच किया. H-E-N, हेन यानी कि मुर्गी. तो मुर्गी, ये रही मुर्गी. तो इसको, मुर्गी को हम कहाँ पे मैच करेंगे, हेन के साथ. P-E-N, पेन. तो ये रही पेन. तो इसके साथ हम मैच करेंगे. T-A-P, टैप यानी कि पानी का नल. तो ये रहा, तो हम उसके साथ मैच करेंगे. A-X-E, X यानी कि कुहाड़ी. तो यहाँ पे उसके साथ हम कुहाड़ी के साथ मैच करेंगे. A-N-T, अंट. अंट यानी कि छोटी सी चीटी. तो चीटी के साथ हम मैच करेंगे. F-O-X, फॉक्स यानी कि लुच्चा. F-O-X, फॉक्स यानी कि लुच्चा. C-R, तो उसके साथ हम मैच करेंगे. C-A-P, कैप यानी कि टोपी. तो टोपी यहाँ पे है, तो हम उसको साथ, इसके साथ मैच करेंगे. C-O-T, कोट यानी कि सोने की चारपाई, सोने का खट्टा. तो ये रहा हमारा सोने की चारपाई. तो इसके साथ हमने मैच कर दिया. तो ये सारे हमने एक दूसरे के साथ मैच कर लिए. अब यहाँ पे हमको कुछ ब्लैंक्स है, उसको फिलअप करनी है. तो पहला है B-A-G, बैग. C-O-T, कोट. H-E-N, हैन. A-N-T, आंट. T-A-P, टेप. P-E-N, पेन. C-A-P, कैप. F-O-X, fox. T-I-N, teen. A-X-E-X. तो ये भी सारे आपको जो स्पेलिंग है ब्लैंक्स है वो भी आपको अच्छे से अपने रफ बुक में 2 times लिखना है. तो स्टूडेंट, ये थी हमारी एक छोटी सी पोएम यूनिट नंबर 3, उसमें 1 Little Kitten. तो वो पोएम आपने देखी और उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज थी वो भी आपने की. अब आगे जो स्टोरी है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. वेलकम स्टूडेंट, तो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पोएम देखी थी 1 Little Kitten. अब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे लालू एंड पीलू. लालू एंड पीलू, लालू और पीलू की एक छोटी सी स्टोरी है वो इस पार्ट में हम देखेंगे. पर ये स्टोरी देखने से पहले इस पूरी स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड्स है वो आपको जानने होंगे. तो पहले हम हमारे न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. पार्ट 2, लालू एंड पीलू. H-E-N, हेन यानी कि मुर्गी.
H-E-N, N यानी कि मुर्गी। C-H-I-C-K-S, chicks, C-H-I-C-K-S, chicks यानी कि मुर्गी के छोटे छोटे पिल्ले, छोटे छोटे बच्चे। R-E-D, red यानी कि लाल कलर, R-E-D, red यानी कि लाल कलर। Y-E-L-L-O-W, yellow, Y-E-L-L-O-W, yellow यानी कि पीला कलर। P-L-A-N-T, plant, P-L-A-N-T, plant यानी कि छोटा सा झाड़। E-A-T, eat, E-A-T, eat, eat यानी कि खाना खाना। M-O-U-T-H, mouth, M-O-U-T-H, mouth यानी कि हमारा मुंह। B-U-R-N, B-U-R-N, burn यानी कि जलना। R-U-N, run, R-U-N, run यानी कि दौड़ना। C-O-M-E, come, C-O-M-E, come यानी कि यहाँ पे आ जाना। अगर आपको कोई बुला रहा है तो आप क्या बोलते हो, या तो आप कहीं क्लास में गए हैं, क्लास से बाहर, और फिर आप वापस आते हैं, तो कोई आपको क्या बोलते हैं कि वेलकम स्टूडेंट, आप यहाँ पे आ जाओ, तो कम यानी कि यहाँ पे आना। बी यू वाई, बाय, बी यू वाई, बाय यानी कि कुछ शॉपिंग करना, कुछ खरीदना। एस ए आई डी, सैड, एस ए आई डी, सैड, सैड यानी कि कुछ बोलना। तो ये हैंड, चीक, रेड, येलो, प्लांट, ईट, माउथ, बर्न, रन, कम, बाय एंड सैड, ये लालू एंड पीलू की स्टोरी के कुछ न्यू वर्ड्स है। तो ये भी आपको अच्छे से अपनी रफ बुक में और फेयर बुक में लिख लेने हैं। फेयर बुक में लिख लिए है तो रफ बुक में आपको टू टाइम्स लिखने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी लालू एंड पीलू। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी, अच्छे से सुनिए और इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। देयर वाज अ हेन, एक मुर्गी थी। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है ये मुर्गी है, इसको हेन बोलते हैं। सी हैड टू चिक्स, सी हैड टू चिक्स, उसके दो बच्चे थे। चिक्स यानी कि छोटे मुर्गी के बच्चे। तो यहाँ पे पिक्चर्स में ये मुर्गी दिखाई दे रही है और उसके साथ दो छोटे छोटे उसके चिक्स हैं, जो छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, वो भी आपको पिक्चर्स में दिखाया है। लालू एंड पीलू, जो दो बच्चे थे उसके नेम क्या थे, एक का नेम लालू था और दूसरे का नेम पीलू था। लालू वॉज रेड, ही लव्ड रेड थिंग्स, ये रेड वाला है वो कौन था, लालू था। लालू है वो रेड कलर का था और उसे सारी लाल कलर की चीजें हैं वो बहुत ही पसंद थी। किसको, लालू को। लालू है वो लाल कलर का था और उसको सारी लाल कलर की चीजें पसंद थी। पीलू वॉज येलो, ही लव्ड येलो थिंग्स, पीलू वॉज येलो, ही लव्ड येलो थिंग्स, और पीलू है ये येलो कलर का था और उसे सारी येलो कलर की यानी कि पीले कलर की चीजें पसंद थी। लालू है वो कैसे कलर का था, रेड कलर का, लाल कलर का, उसे सारी लाल कलर की चीजें पसंद थी। फिर पीलू है वो पीले कलर का था, येलो कलर का था, उसे सारी येलो कलर की चीजें ही पसंद थी। वन डे लालू शो समथिंग ऑन अ प्लांट, वन डे लालू शो समथिंग ऑन अ प्लांट, एक दिन की बात है जब लालू ने एक छोटा सा प्लांट यानी एक छोटा सा ट्री देखा और उसके ऊपर कुछ देखा। इट वॉज रेड, ही एट इट अप, इट वॉज रेड, ही एट इट अप। तो पता ही है कि लालू को लाल कलर की चीजें बहुत पसंद थी, तो उसने एक छोटा सा प्लांट्स देखा और वो प्लांट्स कैसे कलर का था, लाल कलर का था। तो इसलिए वो लाल कलर की चीज जो प्लांट्स पे लगी थी वो लालू ने खा ली। तो अब आगे देखते हैं हम। ओह नो, इट वॉज अ रेड चिली, इट वॉज वेरी हॉट, ओह नो,
इट वॉज रेड चिली, इट वॉज वेरी हॉट। पर जैसे ही वो लाल चीज है वो लालू ने खा ली, फिर उसे पता चला कि ये लाल चीज है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये लाल चीज है वो तो रेड चिली यानी कि लाल मिर्च थी, और वो तो बहुत ही तीखी होती है। पर अब तो क्या करे, लालू ने तो वो लाल चीज देखी और वो खा ली। तो लालू ने जैसे ही लाल मिर्च खाई, फिर उसे पता चला कि ये तो लाल मिर्च थी और ये तो बहुत ही तीखी है। लालू माउथ स्टार्टेड बर्निंग, लालू's mouth started burning. लालू का मुंह है वो एकदम जलने लगा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो वो कैसे उसने रेड चिली खा ली और फिर उसके मुंह से ये सारा धुआं है वो निकलने लगा है, क्योंकि उसको वो रेड मिर्च है वो बहुत ही तीखी लगी, तो उसका मुंह है वो पूरा जल गया था। He screamed, और इसलिए वो चिल्लाने लगा। तो यहाँ पे इस पार्ट में आपने देखा कि एक मुर्गी है, उसके दो बच्चे हैं, एक है रेड और दूसरा है येलो। रेड कलर का है उसका नाम लालू है, और येलो कलर का है उसका नाम पीलू है। पीलू को पीले कलर की चीजें पसंद है और लालू को लाल कलर की। तो एक दिन क्या होता है कि लालू है वो ऐसे ही घूमने निकलता है, तो उसको एक छोटा सा प्लांट है वो दिखाई देता है, उसके ऊपर है वो रेड फ्रूट्स लगे हैं, तो उसको लाल चीजें बहुत ही पसंद है, इसलिए वो जाके उसे खा लेता है। जैसे ही वो रेड चीज है उसे खाता है, फिर उसे पता चलता है कि ये तो ये लाल मिर्च का प्लांट है, रेड चिली का प्लांट है, और ये तो बहुत ही तीखी होती है। और जैसे ही वो खा लेता है तो उसका पूरा मुंह है वो जलने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। Mother hen came running, Pilu came too. Mother hen came running, Pilu came too. जैसे ही लालू चिल्लाने लगा कि उसकी मम्मा हेन है, वो बाहर दौड़ के चली आई और उसके साथ साथ पीलू भी दौड़ के चला आया। पीलू said, I will get something for you. और लालू को ऐसे मुंह जला हुआ देखकर, चिल्लाता हुआ देखकर पीलू बोलता है कि मेरे पास ऐसा कुछ है कि तुम्हारे मुंह में ये जलन हो रही है वो कम हो जाए। पीलू ब्राउट येलो लड्डू, और पीलू है वो एक येलो कलर का, पीला कलर का लड्डू है वो लेके आया। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये पीलू येलो कलर का है वो, देखो लड्डू लेके आया है। लालू गॉट अप द लड्डू, लालू गॉट अप द लड्डू, हिज माउथ स्टॉप्ड बर्निंग, और लालू ने वो लड्डू है वो तुरंत ही खा लिया। और लड्डू है वो एकदम मीठा होता है, तो जैसे ही वो उसको एकदम तीखा लगा था और उसके मुंह में एकदम से आग जलने लगी थी, वो लड्डू मीठा खाने से उसकी आग है वो मुंह में जली हुई कम हो गई, और उसका माउथ भी जलना, मुंह भी जलना कम हो गया, तो लालू ने वो पूरा लड्डू खा लिया। मदर हेन एंड लालू किस्ड पीलू, और इसी तरह पीलू ने लालू के मुंह में लगी हुई जो आग थी ऐसे नीचे से तिखी तिखी वो मिटा दी, और अपने भाई की या अपने बहन की हेल्प की, तो इसलिए उसकी मामा है मदर हेन और पीलू है, लालू है, वो दोनों पीलू को क्या करते हैं, खुशी से झूम उठते हैं और उसको किस कर लेते हैं। तो इस स्टोरी में लालू और पीलू के बारे में बताया था कि कैसे एक भाई ने दूसरे भाई को मुसीबत से बचाया। तो ये थी पूरी हमारी छोटी सी स्टोरी लालू एंड पीलू। अब उसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं। CHICKS, चिक्स यानी कि हेन के छोटे बच्चे, HEN हेन यानी कि मुर्गी, HOT हॉट यानी कि एकदम गरम, PLANT प्लांट यानी कि छोटा सा ट्री, YELLOW येलो यानी कि पीला कलर। तो उससे कुछ सेंटेंस बनाए हैं। आई लव प्लांट्स, मुझे छोटे प्लांट्स देखना अच्छा लगता है। द चिक्स रैन टू देयर मदर। हेन के जो छोटे छोटे बच्चे थे चिक्स, वो तुरंत ही दौड़ के अपनी मम्मा के पास आ गए।
अब है रीडिंग इज फन. नेम द चिक्स इन द स्टोरी. आपने इस स्टोरी में जो बच्चे के जो चिक्स के नेम हेन के जो दो बच्चे थे उसके क्या नेम थे. फटाफट से याद करो. हेन के जो छोटे छोटे दो बच्चे थे उसका नेम क्या था. तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि उसका नेम क्या था. लालू एंड पीलू. Who like yellow things? कौन है उसको येलो सारी येलो येलो पीली पीली चीजें ही पसंद थी. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीले कलर का एक दिखता था चीक्स और उसका नाम पीलू था इसलिए उसको सारी पीले कलर की येलो चीज ही पसंद थी. तो क्या आएगा यहाँ पे पीलू. What did लालू eat one day? What did लालू eat one day? एक दिन लालू ने क्या खा लिया. क्या ऐसा खाया था कि लालू का मुंह है वो पूरा जलने लगा और वो चिल्लाने लगा. याद कीजिए. यस ऑफ कोर्स लाल मिर्च. तो लाल मिर्च को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे. रेड चिली. तो ये हो गया. अब हम करते हैं यहाँ पे कुछ. लालू लव्स रेड थिंग्स. पीलू लव्स येलो थिंग्स. द कलर रेड इज कॉल्ड लाल इन हिंदी एंड येलो इज कॉल्ड पीला. लालू को लाल चीजें पसंद थी पीलू को पीली चीजें पसंद थी और रेड कलर को लाल कलर को हम हिंदी में रेड को हम हिंदी में लाल बोलते हैं और येलो को हम हिंदी में पीला बोलते हैं. What do you call this color in your language? अब आप अपनी लैंग्वेज अगर आप हिंदी है या फिर आप गुजराती है या फिर आप मराठी है आप कोई भी हो तो आप अपनी भाषा में लाल कलर को और पीले कलर को क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है. Give name to these cheeks using the names of some other colors in your language. तो यहाँ पे लाल कलर को लालू लिखा है येलो को पीलू लिखा है. अब आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो वो यहाँ पास में लिखना है. फिर पीलू को आप यहाँ अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो वो लिखना है. और फिर ये ब्लू है और ये ब्लैक है इसको आप अपनी लैंग्वेज में कौन सा कलर बोलते हो वो आपको अपने बुक में लिखना है. ये यहाँ पे एक मदर है और छोटे से उसके बच्चे हैं चिक्स है हेन के बच्चे चिक्स है. वो अपने बच्चों को पानी पिलाना सिखाती है. उसकी कुछ कन्वर्सेशन है उसकी कुछ बातें है वो यहाँ पे हमें बताई है. तो अब हम ये बातें सुनते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं. पहले हेन है वो बोलती है कम टू मी चिक्स आई वॉन्ट यू हियर. वो बोलती है अपने बच्चों को कि चलो यहाँ पे आ जाओ मुझे तुमको कुछ दिखाना है. जैसे ही वो बोलती है कि क्या बच्चे क्या बोलते हैं व्हाट डू यू वांट मदर क्या बताना है आपको मम्मा. तो मदर बोलती है लुक एट मी डू व्हाट आई डू डाउन एंड अप अप एंड डाउन. तो उसकी मम्मा बोलती है कि मैं जैसा कर रही हूँ वैसा ही तुम लोग करो. तो कैसे वो करती है कभी वो ऊपर देखती है कभी वो नीचे देखती है कभी वो ऊपर देखती है कभी वो नीचे देखती है. फिर क्या वो कहती है मदर मदर आई कैन डू व्हाट यू डू लुक एट मी डाउन एंड अप अप एंड डाउन. तो वो अपने बच्चों को बोलती है कि जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे ही तुम करो अप एंड डाउन डाउन एंड अप एंड डाउन डाउन एंड अप. कभी ऊपर देखो कभी नीचे देखो फिर से नीचे देखो ऊपर देखो. तो वैसा वो बोलती है. तो उसका एक बच्चा है वो बोलता है कि देखो मम्मा मम्मा मैं भी वैसा कर सकता हूँ कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे कभी ऊपर. तो इस तरह अप एंड डाउन करके मदर हेन है वो अपने बच्चे को पानी पिलाना सिखा रही है. तो उसके बच्चे है वो पानी पीना सीखते हैं. अब आगे उसमें से एक है वो क्या बोलता है लुक एट मी चिक्स डू व्हाट आई डू अप डाउन. ओह ओह क्या हुआ कि वो उसकी मम्मा ने येलो ने तो कर लिया तो वो तो अच्छे से पानी पीना सीख गया. फिर ब्राउन कलर का आता है और वो सारे चिक्स अपने भाई बहन को बोलता है कि अब मुझे देखो
जैसे मम्मा ने बोला है वैसे ही मैं करता हूँ, अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप। पर जैसे ही वो करने जाता है कि कुछ होता है, इसलिए वो बोलता है ओह ओह मदर मदर धीर वॉटर द वॉटर पर्सी इज डाउन डाउन इन द वॉटर। और बाकी जो सब चीख से वो अपनी मम्मा को बुलाने लगते हैं कि मदर मदर प्लीज माँ तुम यहाँ पे आ जाओ क्योंकि पानी में कौन गिर गया, इसका नाम क्या था, पर्सी, तो पर्सी है वो पानी में गिर गया। इसलिए सारे चीख से वो अपनी मम्मा को बुलाते हैं, देखो दौड़े जा रहे हैं और अपनी मम्मा को बुलाते हैं ओ पर्सी पर्सी। और फिर उसकी मम्मा आके उसको बोलती है कि ओ पर्सी पर्सी ये तुमने क्या कर दिया। तो स्टूडेंट ये था कुछ कन्वर्सेशन। यहाँ पे एक छोटी सी है, एक हेन है, वो अपने बहुत सारे बच्चे हैं उसको सिखाती है कि कैसे हम पानी पीते हैं। तो इसलिए वो पानी पीने की एक ट्रिक अपनाती है, कभी वो अपने बच्चे को बोलती है कि कभी लुक करो कभी डाउन, कभी अप करो कभी डाउन करो कभी अप, इस तरह से वो अपने बच्चे को पानी पिलाना सिखाती है। तो एक बच्चा है वो तो सीख जाता है, पर दूसरा है वो बहुत ही नोटी होता है तो वो है पानी में गिर जाता है, तो उसकी मम्मा फिर उसे निकालती है। तो ये था हमारा पार्ट टू। आई होप कि आप लोगों को ये सारा पार्ट वन और पार्ट टू यूनिट नंबर थ्री का अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो जो मैंने वर्क दिया है वो भी आप अच्छे से घर पे बैठ के अपनी रफ बुक में कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट अब हम मिलेंगे यूनिट नंबर फोर के नेक्स्ट वीडियो में।